डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं और ये जो हमारा एपिसोड है, ये है एपिसोड 292। बहुत जल्द हम 300वें एपिसोड की ओर जा रहे हैं। आज मैं आपके साथ 15 मई 2019 से संबंधित जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सभी कवर करने वाली हूँ। ये हमारे चैनल्स हैं पिनाकल और फ्रंटियर IAS। इन पर रोज सुबह 4 बजे ये वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया जाता है और इंग्लिश मीडियम में अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ssccgilpinnacle.com, baljeetdhaka.com इनको आप विजिट करें, वहां पर ये सेम वीडियो आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस दिन भर अपलोड होते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी ओर से कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करें। चलो शुरुआत करते हैं और मैं प्रीवियस क्विज पर आपको ले आई हूं। आपसे पूछा था कि जो चक्रवात फानी है वो भारत के पूर्वी तट से टकराया था, इसने चिलिका झील में कितने नए मुहाने बना दिए हैं, तो उत्तर था उसका 4। आप में से अधिकतर लोगों ने बहुत बढ़िया और सही जवाब दिया। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर कि हाल ही में साहस और नेतृत्व के लिए 2019 मैकेन संस्थान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, उत्तर है इसका छाया शर्मा। ये हमारे दोनों आंसर्स थे। अगला प्रश्न देखिए, आज का पहला प्रश्न है ये कि वो कौन सा देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली महासागर सम्मेलन 2020 की मेजबानी करेगा, उस देश का आपको नाम बताना है। तो ये जो देश है ये है पुर्तगाल, यूरोप में लोकेटेड है पुर्तगाल। आंसर यहां पर सी है। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है वो 2020 में होने वाली जो उच्च स्तरीय महासागर सम्मेलन है उसको जून के शुरुआती सप्ताह में पुर्तगाल के में जो लिस्बन शहर है वहां पर आयोजित किया जाएगा। और ये जो सम्मेलन होगा इसमें महासागरों, समुद्रों, समुद्री संस्थानों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसको आयोजित किया जा रहा है और इन सभी बातों पर वहां पर डिस्कशन होगी। अब यहां पर बात आई है पुर्तगाल की, आपको दिखाते हैं कहां पर है पुर्तगाल। मैप में देखकर आपका काम हमेशा आसान होता है। ये पूरा यूरोप है, ये जो कंट्री आपको नजर आ रहा है ये पुर्तगाल है। और अगर आप इतिहास पढ़ें तो पुर्तगाल जो है वो नई नई जगहों को ढूंढने के लिए जाना जाता है। काफी सारी पुराने टाइम में न्यू लैंड्स जो खोले गए वो पुर्तगाल के नाविकों द्वारा खोजे गए थे। तो यहाँ पर राजधानी लिस्बन है, करेंसी यहाँ पर यूरो है, गवर्नमेंट यहाँ पर सेमी प्रेजिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है और मार्सेलो रेबेला डी यहाँ पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर एंटोनियो कोस्ता है। ये थी जानकारी पुर्तगाल के बारे में। अब मैं आपको कुछ रिवीजन क्वेश्चंस भी करा देती हूँ। अब आपके बहुत सारी परीक्षाएं नजदीक हैं, उसके लिए ये रिवीजन क्वेश्चंस बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, मेरे साथ साथ जवाब देना। हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, उसके नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम और कंट्री आप याद रखेंगे, उनका नाम है तिजानी मोहम्मद बंदे और ये नाइजीरिया के एक प्रोफेसर हैं। ओके, दूसरा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में 115 शांति सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है, उनमें 2 भारतीय थे, उनके नाम क्या थे? जितेंद्र कुमार और शिखा गर्ग। ओके, ये दो। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्यों के लिए एक भारतीय अभिनेत्री जो है उनको एक नए अभिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है, हाल ही में उनकी नियुक्ति हुई है जैक मा के साथ। इसका उत्तर जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि वो नेत्री कौन है। अब मैं आपका ध्यान जो है पिनाकल के एक इनिशिएटिव की ओर खींचना चाहूंगी जो कि हमारा SSC CGL के लिए लास्ट लीप प्रोग्राम है। ये एक स्पेशली डिजाइन प्रोग्राम है SSC CGL 2018 के Tier 1 के लिए, जिससे कि आपका 100% इम्प्रूवमेंट होगा और आपके मार्क्स में करीबन 15 से 20 नंबर का उछाल आएगा। इसकी कीमत यहाँ पर दी हुई है और साथ में स्मार्ट टेस्ट सीरीज की भी कीमत जो है वो यहाँ पर दी हुई है। अधिक जानकारी के लिए आप इन मोबाइल नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। चलिए आपको ले चलती हूं अगले प्रश्न पर। पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश है जो अवैध रेत खनन का हॉटस्पॉट बन गया है, यानी कि वहां पर बहुत सारा अवैध रेत खनन होता है। ये जो देश है हमारे वो है आपके भारत और चीन। आंसर यहाँ पर क्या होगा हमारा? चीन और भारत। आंसर हमारा यहाँ पर चीन और भारत है। अब चीन और भारत में बहुत सारा ये अवैध खनन होता है,
ओके ये हाल ही में रिपोर्ट आई है और उन्होंने कहा कि भारत और चीन जो है वो सूची में सबसे ऊपर है। रेत का जो खनन है वो अवैध रेत खनन जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। रिपोर्ट इस तथ्य पर बहुत जोर देती है कि बड़े पैमाने पर रेत खनन जो है ये प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को तोड़ रहा है और जो तटीय और नदी के किनारे हैं वहाँ पर रेत के अवैध खनन से जो समुद्री जीव हैं उस पर भी बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां पर आपको एक रिवीजन क्वेश्चन करा रही हूं कि भारत और चीन ने हाल ही में कच्चे तेल की अस्थिरता से लड़ने के तरीकों का भी पता लगाने के लिए एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया था। यह है हमारा प्रश्न 2। तीसरा अगला प्रश्न, गंगा यात्रा भारत के किस राज्य का वार्षिक लोक उत्सव है जो हर साल मई के महीने में मनाया जाता है। ये जो है हमारा ये एनुअल फोक फेस्टिवल है, ठीक है। तो ये जो वार्षिक लोक उत्सव है ये आंध्र प्रदेश का है। आंसर यहाँ पर सी होगा, सी राइट आंसर है। तिरुपति गंगा यात्रा तिरुपति आंध्र प्रदेश का ये लोक उत्सव है। ये एक सप्ताह के लिए चलता है, हर साल मई का जो पहला और दूसरा सप्ताह होता है उसके बीच में इसको मनाया जाता है। और इसमें जो तिरुपति की देवी है गंगम्मा और ग्राम देवता जो है जो उस गांव की देखरेख करते हैं उनकी पूजा अर्चना इसमें की जाती है। ओके एक और उत्सव है, एक और त्योहार है जिसकी हाल ही में 13 मई को शुरुआत हुई है और यह है केरल का प्रसिद्ध त्रिशूर पुरम। और ये जो त्रिशूर पुरम है इसका आरंभ हुआ है और 36 घंटों तक लगातार ये उत्सव जो है ये मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश जो है आइए उसको मैप में देखते हैं। ये जो है ये आंध्र प्रदेश है, ये वाली जानकारी मैंने अक्सर आपको दी है। आज आंध्र प्रदेश में जो महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उनको रिवाइज करते हैं, नागार्जुन सागर श्री सलेम टाइगर रिजर्व और यहाँ पर है कोनिकन्या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी और पापीकोंडा नेशनल पार्क जो है ये आंध्र प्रदेश में है। IMF ने हाल ही में किस देश को विदेशी ऋण दायित्वों का पूरा करने के लिए अगले 3 वर्षों में $6 बिलियन का ऋण देने पर समझौता किया है। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और ये जो समझौता है ये हुआ है पाकिस्तान के साथ। आंसर यहाँ पर क्या होगा, पाकिस्तान आंसर होगा, आंसर यहाँ पर डी होगा। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसने पाकिस्तान को 3 साल में $6 अरब जो है उसकी सहायता देने की घोषणा की है, जो करीबन आपका 40,000 करोड़ रुपए होगा। अब दोनों के बीच में इस संबंध में 12 मई को 12 मई 2019 को एक समझौता हुआ है और पाकिस्तान जो है वो फिलहाल आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान जो है साल 1950 में ही IMF का सदस्य बना था और पाकिस्तान IMF के सदस्य बनने के बाद से अब तक वह 21 बार बेलआउट पैकेज ले चुका है और ये वाला जो पैकेज है ये उनका 22वां बेलआउट पैकेज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आंसर हमारा क्या है, आंसर जो है हमारा यहाँ पर पाकिस्तान है। अक्सर मैंने अपने मैप्स में आपको पाकिस्तान दिखाया है, आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि पाकिस्तान में प्रेसिडेंट कौन है, पाकिस्तान में राष्ट्रपति के पद पर कौन है, ये आप मुझे बताएं। ओके अब यहाँ पर IMF की बात आई तो थोड़ी सी आपको IMF के बारे में जानकारी दे दूं। इसके मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय Washington DC USA में है और अध्यक्ष है क्रिस्टीन लगार्ड। ओके और हाल ही के एक वीडियो में मैंने कराया था कि IMF के अनुसार 2019 में भारत की अनुमानित GDP विकास दर जो है वो होगी 7.3। ओके ये थी जानकारी इस प्रश्न के बारे में। चलिए अब मैं आपको लेकर चलती हूँ अगले प्रश्न पर। यहाँ पर आप अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पूछा गया है TMT जो है हमारा ये 30 मीटर टेलीस्कोप है, भारत के सहयोगी कार्यक्रम निर्देशक कौन है, ये हमारा प्रश्न 5 है और आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, आंसर जो है हमारा यहाँ पर है AN राम प्रकाश। आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ए होगा, ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अब ये जो टेलीस्कोप है ये जो बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, अब इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देती हूँ कि दुनिया में अब तक सबसे बड़ा जो ऑप्टिकल टेलीस्कोप है 30 मीटर टेलीस्कोप का निर्माण जो है भारत इस साल शुरू करेगा। ये जो 30 मीटर टेलीस्कोप है एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, इसकी सहायता से अंतरिक्ष में गहराई से देखने के साथ जो ब्रह्मांडीय वस्तुएं हैं उनका निरीक्षण किया जा सकेगा और भारत के सहयोगी कार्यक्रम निर्देशक जो हैं वो हैं
KN राम प्रकाश, आंसर हमारा यहाँ पर ए है। और यहाँ पर आप उस टेलीस्कोप की एक तस्वीर देख सकते हैं और भारत सरकार ने करीबन आप कह सकते हैं 1300 करोड़ रुपए की कुल लागत के साथ ये 30 मीटर टेलीस्कोप परियोजना जो है 2014 से 2023 तक भागीदारी हेतु इसमें मंजूरी दी है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता है जिसने दोपहरी उपन्यास लिखा है। हाल ही में ये पुस्तक आई है दोपहरी, आपको इसके लेखक बताने हैं। पुस्तकें जो हैं, लेखक जो हैं, वो बेहद महत्वपूर्ण हैं, आप इन पर स्पेशल फोकस करें। और ये पुस्तक लिखी है पंकज कपूर ने। आप में से काफी लोग शायद पंकज कपूर को ना भी जानते हो, तो मैं आपको बता दूं कि जो जाने माने एक्टर हैं शाहिद कपूर, उनको आप जरूर जानते होंगे। ये शाहिद कपूर के पिता हैं पंकज कपूर, इन्होंने पुस्तक लिखी है दोपहरी। ये मशहूर अभिनेता है, इनकी पहली पुस्तक है ये जो पाठकों के सामने आ रही है। और इस किताब को, इनका एक लोकप्रिय नाटक था उसी पर इसको आधारित किया गया है। इसको हार्पर कॉलिंस जो है वो इसको पब्लिश कर रहे हैं। अब इससे संबंधित आप तस्वीर देखो, ये देखिए दोपहरी, और ये जो है ये तस्वीर है पंकज कपूर की। इटली में आयोजित 58th वेनिस बाइनले में भारतीय पवेलियन की थीम क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है ये, ठीक है। तो 8 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत ने फिर से 58वें वेनिस कला प्रदर्शनी, जो कि इटली में आयोजित हो रही है, उसमें भारत ने अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज की है। 11 मई से 24 नवंबर 2019 छह महीने का जो पीरियड है इस तक आयोजित की जाएगी। और प्रदर्शनी का जो वार्षिक है, प्रदर्शनी का जो शीर्षक है, माफ कीजिए, प्रदर्शनी का शीर्षक ये है, मे यू लिव इन इंटरेस्टिंग टाइम्स। ओके, ये है इसका शीर्षक। और जो इंडियन पवेलियन है उसका विषय क्या है, उसका विषय है महात्मा गांधी के 150 वर्ष। ये देखिए यहां पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं। और क्योंकि ये इटली में आयोजित हो रही है तो मैं आपको दिखाती हूं इटली कहां पर है। ये जो है ये आपको यूरोप में इटली यहां पर नजर आ रहा है, ठीक है, इटली नजर आ रहा है। इटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंट्री है, इसके अंदर पूरे का पूरा वैटिकन सिटी लोकेटेड है। वैटिकन सिटी बल्कि इटली की जो राजधानी है रोम, उसके अंदर लोकेटेड है। यहां पर इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर रोम है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इनका अच्छा है, बढ़िया है। करेंसी यहाँ पर यूरो है और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर इटालियन है। अधिकतर लोग जो है वहाँ पर ईसाई धर्म के अनुयायी हैं। यूनिटरी पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है इटली में। अगला प्रश्न, व्हाट्सएप मोबाइल भुगतान सेवा व्हाट्सएप पे को विकसित करने के लिए फेसबुक ने किस शहर को केंद्र के रूप में चुना है। फेसबुक ने जो लंदन शहर है उसको केंद्र के रूप में चुना है, आंसर यहां पर सी होगा। व्हाट्सएप पे को लॉन्च करने के लिए लंदन को केंद्र के रूप में चुना गया है। विश्व स्तर पर व्हाट्सएप के जो है करीबन 1.5 बिलियन उपयोगकर्ता हैं, और इनमें से 200 मिलियन जो है वर्ल्ड लेवल पर 1.5 बिलियन है, उनमें से 200 मिलियन जो है वो भारत में है, आप ये कह सकते हैं। तो ये जो है अब ये कहां से लॉन्च किया जाएगा, ये लंदन से लॉन्च किया जाएगा। अब फेसबुक की बात आई है, थोड़ा सा फेसबुक के बारे में रिवाइज करते हैं। इनके हेडक्वार्टर्स कहां हैं, इनके हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हैं। और जो सीईओ हैं, आज आप मुझे उनका नाम लिखकर बताएं कमेंट सेक्शन में। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हीरा लाल यादव जो हैं, जिन्हें बिरहा सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में उनका निधन हो गया है। आपको मुझे बताना है कि हीरा लाल यादव जो हैं वो किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए, वो गायक थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर हमारा बी है, बी जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। भारत के प्रसिद्ध बिरहा गायक हीरा लाल यादव का हाल ही में निधन हो गया, वाराणसी में उनका निधन हुआ है और वे 93 वर्ष के थे। कुछ समय से वो अस्वस्थ चल रहे थे और इसी साल 2019 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनको बिरहा सम्राट क्यों कहा जाता है, देखो बिरहा के गीत वो होते हैं जिनमें प्रेमी प्रेमिका जो है वो एक दूसरे से अलग होते हैं, तो उस तरह के गीत ये गाया करते थे, इसलिए इनको बिरहा सम्राट कहा गया। ये देखिए भोजपुरी लोक गायन में ये काफी ज्यादा फेमस थे। ये तस्वीर है इनकी, तस्वीर है हीरा लाल यादव की।
अंतिम प्रश्न पर मैं आपको ले आई हूँ सीएट क्रिकेट रेटिंग सीसीआर इंटरनेशनल अवार्ड्स 2019 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर और बैट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये किसने जीता है। ये हमारा प्रश्न 10 है। ये किसने जीता है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं ये जीता है विराट कोहली ने। आंसर यहाँ पर क्या है, आंसर हमारा यहाँ पर ए है। भारत के जो कप्तान है विराट कोहली उन्होंने सीएट रेटिंग सीएट क्रिकेट रेटिंग इंटरनेशनल अवार्ड 2019 के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेटर और बैट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। इसके अलावा और भी अवार्ड्स दिए गए जैसे कि जो हमारे पेसर हैं जसमीत बुमराह उनको इंटरनेशनल बॉलर ऑफ द ईयर, यशस्वी जायसवाल को जूनियर क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया और कुलदीप यादव जो है वो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार उनको मिला है। इसी में जो मोहिंदर अमरनाथ हैं उन्होंने भारत में जो 1983 का विश्व कप जीता था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जिसके लिए उनको भी पुरस्कार दिया गया, उनको मिला है सीसीआर इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब इससे संबंधित आप तस्वीर यहां पर देख सकते हैं। अब मैंने क्रिकेट की बात की है तो दो तीन आपको रिवीजन क्वेश्चंस करा देती हूं कि जो स्मृति मंधाना है और विराट कोहली है उन्होंने विजडन लीडिंग क्रिकेटर अवार्ड 2019 जीता है और साथ ही साथ फॉर्मर वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर थे सैमुअल नर्स उनका हाल ही में निधन हुआ। अब मैं आपको ले आती हूँ समरी कीवर्ड्स पर। यहाँ देखो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की जो ओशन कॉन्फ्रेंस होगी 2020 की वो पुर्तगाल में होगी। भारत और चीन को हॉटस्पॉट माना गया है इलीगल सैंड माइनिंग में, अवैध जो आपका खनन होता है उसमें ये दोनों यहाँ पर बहुत सबसे टॉप लिस्ट में यही दोनों हैं भारत और चीन। गंगा यात्रा जो फोक फेस्टिवल है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। IMF जो है वो $6 बिलियन का फॉरेन डेप्ट ऑब्लिगेशन देगा पाकिस्तान को। एसोसिएट प्रोग्राम डायरेक्टर TMT इंडिया के कौन है, AN राम प्रकाश। दोपहरी पुस्तक जो है उपन्यास है किसने लिखा है, पंकज कपूर ने। थीम क्या थी इंडियन पवेलियन की 58th वेनिस बाइनले में जो इटली में हुआ, 150 ईयर्स ऑफ महात्मा गांधी ये थीम थी। व्हाट्सएप मोबाइल पेमेंट सर्विस सेंटर ये लंदन से लॉन्च होगा। पद्मश्री अवार्डी हीरालाल यादव जो कि भोजपुरी गायक थे उनका हाल ही में निधन हुआ। इंटरनेशनल क्रिकेटर एंड बैट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड CCR 2019 ये मिला है विराट कोहली को। तो ये थे हमारे समरी कीवर्ड्स। अब मैं आपको ले आई हूँ क्विज फॉर द डे पर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वो कौन सा देश है जो अवैध रेत खनन का हॉटस्पॉट बन गया है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा है इटली में आयोजित 58वें वेनिस बाइनले में भारतीय पवेलियन की थीम क्या है, ये दो प्रश्न हैं जिनका आपको मुझे उत्तर लिखकर देना है। चलिए आज के वीडियो में किताब आई तो मैं किताब से संबंधित आपसे प्रश्न पूछ लेती हूँ। हाल ही में एक पुस्तक आई है गेम चेंजर, ठीक है, ये पुस्तक आई है गेम चेंजर, आपको बताना है कि इसके लेखक कौन है, इसके जो राइटर हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। जितने भी मैंने प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर मुझे आपसे कमेंट सेक्शन में चाहिए। वीडियो आपको बढ़िया लगा तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जितना संभव हो सके व्हाट्सएप पर फेसबुक वगैरह पर आप इसको शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई वीडियो वगैरह डालें आपको तुरंत अपडेट मिले। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।